हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिश्री इनफॉरमेशन। 7 जुलाई रे केंद्र मंत्रिमंडल रो संप्रसारण घटी छे। 36 जन नुआ मंत्री को मंत्रिमंडल रे स्थान मिलथिबा बेले किछि मंत्री कर विभाग को परिवर्तन करा जाय छे। वीडियो टी रे नूतन भाबे दायित्व ग्रहण करथिबा मंत्री मानक विषय रे जानिबा, जहा कि आपण मानकर साधारण ज्ञान वृद्धि रे सहायक हेबा संगे संगे भिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम देबा को जाउथा छात्र छात्री मानक निमित्त मध्य एहा सहायक हेबो। चंती अश्विनी वैष्णव, जिए कि ओडिसा रु राज्यसभा रो सभ्य रूपे निर्वाचित होइछंती, तांकु मिलिछि रेल, जोगाजोग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग रो दायित्व। ये हेउछंती श्री विशेषर टुडु, जिए कि ओडिसा रो मयूरभंज जिल्ला रो एमपी अटंती, तांकु मिलिछि आदिवासी व्यापार जलशक्ति विभाग। श्री नारायण राणे, जिए कि महाराष्ट्ररु राज्यसभा सांसद रूपे निर्वाचित होइछंती, तांकु मिलिछि क्षुद्र और मध्यम उद्योग विभाग। श्री सर्वानंद सनवाल, जिए कि बंदर, जहाज चलाचल और जलमार्ग आयुष विभाग मंत्री अटंती। डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार, जिए कि मध्यप्रदेशरु लोकसभा एमपी रूपे निर्वाचित, तांकु मिलिछि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिए कि मध्यप्रदेशर राज्यसभा सांसद अटंती, तांकु मिलिछि बेसामरिक विमान चलाचल विभाग। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, जिए कि इस्पात विभाग मंत्री अटंती। नूतन खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्पर मंत्री, जहाँ का नाम श्री पशुपति कुमार पारस। जंगल परिवेश, जलवायु परिवर्तन, श्रम और नियोजन विभाग मंत्री, जहाँ का नाम श्री भूपेन्द्र यादव। अर्थ विभाग राष्ट्रमंत्री श्री पंकज चौधरी, जिए कि उत्तर प्रदेश रो निर्वाचित। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, उत्तर प्रदेश रो मिर्जापुर रो लोकसभा आसन रो निर्वाचित सांसद, जहाँ को मिलेछि वाणिज्य और शिल्प विभाग। डॉक्टर सत्यपाल सिंह बाघेल, जिए कि उत्तर प्रदेश आग्रा सांसदीय क्षेत्र रु एमपी अटंती, तांकु मिलिछि आईन और न्याय विभाग। ये हेउछंती दक्षता विकास और उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री, यांको नाम हेउछि श्री राजीव चंद्रशेखर, जिए कि कर्णाटक राज्यसभा सांसद। ये हेउछंती सुश्री सभा करंदलाज, जिए कि कृषि और कृषक कल्याण विभाग मंत्री अटंती। ये हेउछंती अणु, क्षुद्र और मध्यम उद्योग मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, जिए कि उत्तर प्रदेश सांसद अटंती। श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोस, जिए कि बयन और रेलवे विभाग मंत्री अटंती। श्रीमती मीनाक्षी लेखी, जिए कि वैदेशिक व्यापार और संस्कृति विभाग मंत्री अटंती। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जिए कि शिक्षा विभाग मंत्री अटंती। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग मंत्री श्री ए नारायण स्वामी। श्री कौशल किशोर, जिए कि गृह और नगर उन्नयन मंत्री अटंती। ये होंगे श्री अजय भट्ट, जिए कि प्रतिरक्षा पर्यटन विभाग मंत्री अटंती। ये होंगे श्री बी एल वर्मा, जहाँ को कि मिली उत्तर पूर्वांचल विकास और समन्वय विभाग। श्री अजय कुमार, जहाँ को मिली गृह विभाग दायित्व। श्री चौहान देहुसीन, जिए कि जोगाजोग विभाग मंत्री अटंती। श्री भगवंत खुबा, जिए कि नूतन और नवीकरण योग्य ऊर्जा एवं सार और रासायन विभाग मंत्री। ये हेउछन्ति श्री कपिल मरेश्वर पाटिल, जहाँ को मिलेछि पंचायती राज विभाग। ये हेउछन्ति सुश्री प्रतिमा भौमिक, जहाँ को मिलेछि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग। ये हेउछन्ति श्री सुभाष सरकार, जहाँ को मिलेछि शिक्षा विभाग दायित्व। अर्थ विभाग दायित्व मिलेछि श्री भगवत किशन राव करंद को। श्री राजकुमार राजन सिंह, जहाँ को मिली वैदेशिक व्यापार शिक्षा विभाग दायित्व। ये होंगे श्रीमती भारती प्रवीण पवार, जहाँ को मिली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। श्री शांतनु ठाकुर, जहाँ को मिली बंदर, जहाज चलाचल और जलमार्ग विभाग दायित्व। ये होंगे एम महेन्द्र भाई, जहाँ को मिली महिला और शिशु विकास एवं आयुष विभाग। ये होंगे श्री जॉन बाला, जिए कि पश्चिमबंग एमपी अटंती, तांकु मिलेछि संख्या लघु व्यापार विभाग। ये हेउछन्ति श्री एल मुरुगान, को मिलेछि मत्स्य, प्राणी संपद और दुग्ध उत्पादन एवं सूचना प्रसारण विभाग। ये हेउछन्ति श्री निशित प्रमाणिक, जहाँ को मिलेछि गृह और युव व्यापार एवं क्रीड़ा विभाग।
ଇଏ ଥିଲା ନୂତନ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ସାଂସଦମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା। ଏବେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିବା ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀପଦ। ହେଉଛନ୍ତି ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ମିଳିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ସାର ଓ ରାସାୟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀପଦ। ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଆକାରରେ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ସୂଚନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।